निवाई में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने राजकीय पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया तथा साथ ही दिवंगत रामनारायण सुरा की मूर्ति का अनावरण किया। 1.5 किलोमीटर लंबे काफिले के साथ निवाई पहुंचे डॉक्टर राजकुमार शर्मा का कुमावास रोड से कार्यालय स्थल तक पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। समर्थकों ने डॉक्टर विधायक को घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ बाइक रैली भी निकाली। सरपंच मंजू देवी ने अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधान दिनेश सुंडा, पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया, भामासा दयाराम चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र राठी मेघवाल आदि कई मौजूद रहे। इस दौरान निवाई स्कूल में विधायक कोष से 2 कक्षा कक्ष बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने RAS में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान किया। इसके बाद मेघवाल समाज ने विधायक डॉक्टर शर्मा का अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने फीता काटकर बालाजी मंदिर का लोकार्पण किया, साथ ही भामाशाहों का सम्मान किया गया और विधायक ने जनता की समस्याएं सुनी। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के जसरापुर मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पिकअप में बैठे 5 लोग घायल हो गए। वहीं एक गंभीर घायल को जयपुर के लिए रेफर किया गया। घायलों में मानोता निवासी सुरेंद्र, विकास, विजय, सोनू को राजकीय अजीत अस्पताल लेकर आया गया। एक व्यक्ति सुंदर को निजी वाहन से राजकीय अजीत अस्पताल भेजा गया, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। मानवता निवासी एक ही परिवार के सभी सदस्य तीर्थ यात्रा पर स्नान करने जा रहे थे, मगर दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे के बाद सभी घायल पिकअप में पूरी तरीके से फंस गए। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। 4 अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल पंप के सोते हुए कर्मचारियों पर उतारा गुस्सा। पूरी घटना कैमरे में हुई कैद, कारण का भी नहीं लग पाया है पता। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के नजदीक देवरोड रोड पर बालाजी मंदिर के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसमें कुछ लोग पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी पर गुस्सा उतारते हुए नजर आ रहे हैं। कारण का अभी पता नहीं लग पाया है आखिर किस बात का गुस्सा था और किस मंशा से वो आए थे और क्यों गुस्सा उतार रहे थे। घटना बीती रात करीब 11:54 की बताई जा रही है। कर्मचारी के अनुसार कुल 4 लोग थे। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है, साथ ही लातों से मार मार कर दरवाज़ा भी तोड़ दिया गया है। पूरी घटना का CCTV वीडियो आप भी देखिए।